नमस्कार दोस्तों, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्रॉस सेक्शन न्यूक्लियर फिजिक्स का टॉपिक है। तो जब मोनो एनर्जेटिक लाइट पार्टिकल की एक कॉलिमेटेड बीम, जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की एक बीम है, जब ये न्यूक्लियाई या एटम जैसे टारगेट पे स्ट्राइक करता है, तो होता क्या है कि क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम प्रोजेक्टाइल पार्टिकल कह सकते हैं, तो ये जो प्रोजेक्टाइल पार्टिकल है ये जितना टारगेट के क्लोज होगा, यहाँ पे एटम और न्यूक्लियाई एक तरह से टारगेट कहलाएंगे। टारगेट का मतलब वह पार्ट जहां से कोई प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक करता है, तो जब उसके पास से क्लोज जाएंगे तो उसका इंट्रैक्शन होगा और इंट्रैक्शन के कारण कुछ न्यूक्लियर प्रोसेस होंगे। जैसे जब इंसिडेंट पार्टिकल रेक्टिलिनियर पाथ में जाएगा तो रेक्टिलिनियर पाथ से उसका कुछ डेविएशन हो जाएगा, इससे यह होगा कि जो इनकमिंग और आउटगोइंग पार्टिकल है वो सेम होता है। मतलब इंसिडेंट पार्टिकल जब रेक्टिलिनियर पाथ से डिविएट होगा तो इस तरह से डिविएट होता है कि जो इनकमिंग पार्टिकल है और आउटगोइंग पार्टिकल है दोनों सेम हो, दोनों पार्टिकल में कोई डिफरेंस ना हो। इस प्रोसेस को हम स्केटरिंग कहते हैं। स्केटरिंग प्रोसेस नॉर्मली दो प्रकार का होता है। पहला है यदि इनकमिंग और आउटगोइंग पार्टिकल दोनों की सेम काइनेटिक एनर्जी है, तब इस प्रोसेस को हम इलास्टिक स्केटरिंग कहते हैं। लेकिन यदि आउटगोइंग पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कम हो और इंसिडेंट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो, इस तरह से जो ये एनर्जी में डिफरेंस आ जाता है, एनर्जी कंजर्व नहीं होता, तब हम स्केटरिंग को हम इनइलास्टिक स्केटरिंग कहते हैं। सेकंड पॉइंट है कि इंसिडेंट पार्टिकल टारगेट के द्वारा कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो सकता है और इसमें कोई दूसरा पार्टिकल का इमिशन भी नहीं होता। इस प्रोसेस को रेडिएटिव कैप्चर कहते हैं। और इसका थर्ड ऑप्शन है कि इंसिडेंट एंड इमर्जेंट पार्टिकल ये दोनों डिफरेंट हो सकते हैं एक दूसरे से। इस प्रोसेस को न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। तो इस तरह से न्यूक्लियर रिएक्शन में एक न्यू टाइप का प्रोसेस होता है जिसमें फ्यूजन भी हो सकता है, फ्यूजन भी हो सकता है, स्पेलेशन भी हो सकता है। तो हम ये देखते हैं कि न्यूक्लियर प्रोसेस को जो हम स्टडी करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो प्रोजेक्टाइल पार्टिकल है वो टारगेट के कितने एरिया से इंटरेक्ट करता है, उस पॉसिबल एरिया को जहां पे प्रोजेक्टाइल इंटरेक्ट करता है उस प्रोबेबिलिस्टिक एरिया को क्रॉस सेक्शन कहते हैं। अर्थात किसी टारगेट न्यूक्लियस या किसी सर्कुलर एरिया, जो कि एक ऐसा इफेक्टिव सर्कुलर एरिया है जहां पे कोई प्रोजेक्टाइल पार्टिकल इंटरेक्ट कर सकता है, तो उस इफेक्टिव सर्कुलर एरिया को ही क्रॉस सेक्शन कहते हैं। यहां हम देख सकते हैं कि क्रॉस सेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है न्यूक्लियर प्रोसेस के लिए वो ज्योमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन से पूरी तरह से डिफरेंट होता है। इसको हम डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं। हम यहां से देख पा रहे हैं कि ये डायग्राम है न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। क्रॉस सेक्शन का जो मैग्नीट्यूड होता है वो डिफरेंट न्यूक्लियर प्रोसेस के लिए डिफरेंट होता है और क्रॉस सेक्शन का जो डायमेंशन है वो एरिया का डायमेंशन होता है।
इसको हम बार्न के टर्म्स में एक्सप्लेन करते हैं, मतलब इसकी जो यूनिट होती है वो बार्न होती है। वन बार्न इक्वल टू होता है 10^-24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से ये डायग्राम है आपका, क्रॉस सेक्शन का एक है ज्योमेट्रिकल पार्ट और एक है इफेक्टिव क्रॉस सर्कुलर एरिया। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि जो ये पार्ट है ये ज्योमेट्रिकल पार्ट है, ज्योमेट्रिकल पाथ है, और जो ये है इफेक्टिव सर्कुलर पाथ है। तो यहां से इंसिडेंट पार्टिकल बीम जब इंसिडेंट होता है न्यूक्लियस में तो ये इसका एक ज्योमेट्रिकल पाथ है, लेकिन जब ये इंसिडेंट पार्टिकल न्यूक्लियस से इंटरेक्ट करेगा तो चूंकि इसमें प्रोटॉन या न्यूट्रॉन हो सकता है और न्यूक्लियस के अंदर भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, तो अगर प्रोजेक्टाइल प्रोटॉन है और न्यूक्लियस के अंदर भी प्रोटॉन होता है तो दोनों के बीच में रिपल्सन लगेगा। इस रिपल्सन के कारण ये जो इंसिडेंट पार्टिकल है वो न्यूक्लियस से एग्जैक्ट इंटरेक्ट नहीं करेगा, बल्कि रिपल्सन के कारण न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ में उसका रिपल्सन फोर्स लगेगा, जिसके अंदर इंसिडेंट पार्टिकल इंटर नहीं कर सकता, बल्कि वहां से वो रिपेल हो जाएगा। तो ये देखा गया कि कुछ रे हैं, कुछ पार्टिकल है, प्रोजेक्टाइल पार्टिकल है जो सीधे क्रॉस कर जाते हैं, लेकिन जो एक इफेक्टिव सर्कुलर एरिया के अंदर इंसिडेंट होता है वही एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया कहलाता है, और जो ज्योमेट्रिकल एरिया है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा जी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से दोस्तों क्रॉस सेक्शन एक ऐसा प्रोबेबिलिस्टिक इफेक्टिव सर्कुलर पाथ होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ जो कि रिपल्सन फोर्स के कारण होता है। तो दोस्तों ये हो गया क्रॉस सेक्शन जो कि न्यूक्लियर फिजिक्स के बेस पे है। आप हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब कर दिए हैं तो थैंक यू वेरी मच। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें दोस्तों। थैंक यू।